हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार, टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ ज़्यादा ही एलिमिनेशंस हो रहे हैं, तो यार इसका ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि कौन एलिमिनेट हो गया और कितने लोग बाकी है हर यूनिवर्स से। तो यार, एक मुझे चार्ट मिली है, इसमें हमें पता चलता है कि कितने एलिमिनेशंस हुए और ये एलिमिनेशंस किसने की। तो यार, एक एक यूनिवर्स का देखते हैं कि भाई कितने एलिमिनेशंस हुए हैं और उनके कितने फाइटर्स बाकी, तो हमें पता भी चल सकता है कि अगला यूनिवर्स शायद कौन सा मिट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिवर्स इलेवन की, तो यार यूनिवर्स इलेवन के लिए एक हमें पूरा डेडिकेटेड एपिसोड दिया गया था। मतलब यूनिवर्स इलेवन के प्राइड ट्रूपर्स और यूनिवर्स सेवन का कोकू और केल और क्वालिफा के फाइट। तो एपिसोड 103 में तो यूनिवर्स इलेवन के लिए कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। तो भाई इस एपिसोड तक भाई प्राइड ट्रूपर्स सिर्फ चार ही बाकी, एक तो है टोपो जेरेन डिस्पो और एक है दूसरा बंदा, उसका नाम तो पता नहीं। और अगले एपिसोड में अगर आपने प्रीव्यू देखा हो और आपको स्पॉयलर्स भी पता है, तो भाई आप जानते हैं कि डिस्पो और ये ग्रीन ग्रीन वाला बंदा दोनों मिलके लड़ने वाले हैं गोकू और हिट के साथ। और अगर मैं नहीं माने तो भाई गोकू और हिट मिलके दोनों एलिमिनेट करने वाले हैं डिस्पो और ये ग्रीन वाले बंदे को। ये भाई स्पॉयलर्स तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एपिसोड 104 के अंदर सिर्फ दो ही प्राइड ट्रूपर्स बचेंगे और वो होंगे टोपो और जीरेन। फिर यूनिवर्स 10 और यूनिवर्स 9 तो मिट चुके हैं और यूनिवर्स 8 पार्टिसिपेट कर नहीं रहे टूर्नामेंट ऑफ पावर में। तो अगली बारी आती है यूनिवर्स 7 की। तो यार यूनिवर्स 7 में तो कुल मिला के भाई कितने, गोकू के 6, वेजिटा के 6, कोहान के 2, मास्टर रोशी के 2, टोटल 26 लोगों को एलिमिनेट कर चुके यूनिवर्स 7 के बंदे। तो यार ये हाईएस्ट है अब तक टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और यूनिवर्स 7 का सिर्फ एक ही बंदा एलिमिनेट हो गया, वो भी है क्रिलिन। तो यूनिवर्स 7 की ये हालत है कि हाईएस्ट एलिमिनेशन से और लीस्ट नंबर ऑफ जो लोग हैं उनके बाहर हुए यूनिवर्स 7 के, सिर्फ एक ही बंदा बाहर हुआ है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्स 6 की, तो भाई यूनिवर्स 6 से सिर्फ एक ही एलिमिनेशन हुआ है, वो है बोटामो, और वो किया है हमारे यूनिवर्स 7 के गोहान के साथ। और यूनिवर्स 6 के भी कुछ ज़्यादा ही, ज़्यादा नहीं है लेकिन भाई ठीक ठाक एलिमिनेशंस किए। सो यूनिवर्स 6 ने टोटल 13 बंदों को एलिमिनेट किया है। तो यार बढ़ते अगले यूनिवर्स पर। तो यूनिवर्स 4 की अगर हम बात करें, तो यार इसके तो अब तक दो फैक्टर्स हमें पता भी नहीं है कौन है। और यूनिवर्स 4 में 3 बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं और मुझे नहीं लग रहा उन्होंने एक भी एलिमिनेशन किया हुआ है। तो अब तक तो भाई यूनिवर्स 4 कुछ ज़्यादा ही शांत है। और यूनिवर्स 4 के 3 बंदे एलिमिनेट किए और वो तीनों ही यूनिवर्स 7 के तरफ से हुए। यार यूनिवर्स 4 शायद यूनिवर्स 7 में भड़क भी गया होगा क्योंकि 3 बंदों को एलिमिनेट कर दिया। तो यूनिवर्स 3 के अगर हम बात करें, तो भाई यूनिवर्स 3 के बारे में भी हमें ज़्यादा पता नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि वो रोबोट्स की दुनिया है, सिर्फ इतना ही पता है। और यूनिवर्स 3 के भाई 3 बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं, 3 बंदे ने 3 रोबोट एलिमिनेट हो चुके हैं और ये तीनों ही भाई किए यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 ने मिलके। तो अब तक भाई यूनिवर्स 3 के पास 7 बंदे अवेलेबल है। तो यूनिवर्स 2 की अगर हम बात करें, तो भाई यूनिवर्स 2 में भी सिर्फ दो ही एलिमिनेशन हुए। एक तो वो 3 फाइटर्स वाला ग्रुप, वो लव गर्ल्स के एक बंदी और एक ककुन सा, जिसको दोनों को भाई एंड्रॉयड 17 ने ही बाहर निकाला था। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, कमेंट से मुझे बताइए कि ये कैसा लगा वीडियो। ये वीडियो दूसरे लोगों को चाहिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।